2 अक्टूबर भारत के इतिहास में ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन भारत के अंदर दो महापुरुषों का जन्म हुआ था। एक थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और दूसरे थे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। आज पीडी गुरुकुल इस वीडियो में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के शुरुआती जीवन के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके राजनीतिक सफर के बारे में बात करेगा। कि नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे कि यूपीएससी या स्टेट एग्जामिनेशंस देने वाले बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ साथ हर उस व्यक्ति के लिए जो अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता है, अवेयर रहना चाहता है और इन महापुरुषों की कहानियों से कुछ सीखना चाहता है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी से। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। जब शास्त्री जी महज 1.5 वर्ष के थे तब उनके पिताजी शारदा प्रसाद जी का निधन हो गया था। शास्त्री जी का जीवन बड़ी गरीबी में निकला। कहा जाता है शास्त्री जी मीलों दूर स्कूल नंगे पांव जाया करते थे और गर्मियों में तो उनके पांव में छाले भी पड़ जाते थे। बाद में शास्त्री जी उच्च शिक्षा के लिए अपने चाचा के पास चले गए। शास्त्री जी बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी थे। वो जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते थे। सिर्फ 16 साल की उम्र में 1921 में वो गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल हो गए। फिर 1930 के डांडी मार्च और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक दिलचस्प बात यह है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम शुरुआत में सिर्फ लाल बहादुर था। हुआ यूं था कि लाल बहादुर ने काशी विद्यापीठ में एडमिशन लिया और एडमिशन लेकर जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी तो काशी विद्यापीठ ने लाल बहादुर को शास्त्री नाम की डिग्री दी, जिसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बन गए। शास्त्री जी का राजनीतिक सफर 1951 में शुरू हुआ, जब देश में पहली बार लोकसभा चुनाव 1951 में कराए गए और जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार जब बनी तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कई अहम मंत्रालयों को संभाला। उन्होंने रेल मंत्री, गृह मंत्री और उद्योग मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद संभाले। 1964 में पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ही बने। एक गरीब परिवार से निकलकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करने की कहानी बताती है कि अगर किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास हो तो वो किसी भी मंजिल तक पहुंच सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री का सफर शास्त्री जी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। 1965 में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। इसके साथ साथ देश के अंदर लगातार 2 साल सूखा पड़ा, जिससे अन्न की पैदावार बहुत कम हो गई और भुखमरी जैसे हालात देश के अंदर पैदा हो गए। ये सब शास्त्री जी के प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ था। इसे शास्त्री जी की सत्यनिष्ठा यानी कि प्रोबिटी और ईमानदारी यानी कि ऑनेस्टी ही कहा जाएगा कि आर्थिक तंगी से चल रहे देश में शास्त्री जी ने अपनी तनख्वाह तक लेने से मना कर दिया था। इसी दौरान शास्त्री जी ने एक बहुत ही प्रचलित नारा दिया जो आपने सुना भी होगा, जय जवान जय किसान। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। जय जवान क्योंकि देश के जवानों का मनोबल बढ़ाना था, पाकिस्तान के साथ युद्ध था, और जय किसान क्योंकि सूखे और भुखमरी के देश में किसानों का भी मनोबल बढ़ाना था। इस दौरान शास्त्री जी ने देश के लोगों से अपील करी थी कि वो दिन में एक समय अपना व्रत रखें
और एक लीडर होने के नाते उदाहरण के तौर पर उन्होंने ये ऐलान भी किया था कि अगले 7 दिनों तक शास्त्री जी के यहाँ शाम का चूल्हा नहीं जलेगा। एक कुशल नेतृत्व का परिचय वो कदम कदम पर देते रहते थे। लाल बहादुर शास्त्री इस हद तक ईमानदार थे कि वो सरकारी संसाधनों को यानी कि पब्लिक रिसोर्सेस को अपने पर्सनल यूज के लिए यानी कि निजी इस्तेमाल के लिए उपयोग नहीं करते थे। उदाहरण के तौर पे प्रधानमंत्री को मिलने वाली कार लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस के कामों में यूज करते थे और अपने बच्चों को या परिवार के किसी भी सदस्य को अनुमति नहीं देते थे कि वो उनकी कार का इस्तेमाल करे। इस हद तक ईमानदारी और सच्चाई लाल बहादुर शास्त्री जी में थी। ताशकंद में पाकिस्तान के साथ शांति समझौता यानी कि पीस एग्रीमेंट साइन करने के 12 घंटे बाद 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का निधन हो जाता है और देश अपना एक ईमानदार निडर राजनेता खो देता है। ये थी शास्त्री जी के ऊपर कुछ बातें। अब हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस वीडियो की नॉलेज से। सबसे पहले बात करें तो शास्त्री जी के जन्म से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ शास्त्री जी ने जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में कौन कौन से पद ग्रहण किए थे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ साथ शास्त्री जी के कार्यालय के दौरान भारत को क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये सब क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और 2013 में जय जवान जय किसान के सिग्निफिकेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में जिक्र किया है। इसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर दी हुई इंफॉर्मेशन को बच्चे जो हैं एसे के अंदर और इथिक्स के पेपर के अंदर लीडरशिप के एग्जाम्पल में, ट्रांसपेरेंसी के एग्जाम्पल में, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं। साथ साथ जैसा कि हमने आपको बताया कि कैसे शास्त्री जी सरकारी संसाधनों का उपयोग निजी लाइफ में नहीं करते थे, उसका भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है। उम्मीद है पीडी गुरुकुल का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही नए नए नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।